की हिम्मत थोड़ी सी कमजोर पड़ने लग जाती। ये वही पड़ाव था। यात्रा को एक महीने के लगभग का समय हो गया। आज 15 अगस्त है। साथियों का ये आग्रह था कि मैं भी आपके बीच में आऊं, और जिन सज्जन का ये है वो मेरा उनसे आग्रह कि इसको अपने कब्जे में कर लें। समय खराब है। उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है कि कहां चोरी हो जाए, कहां लूट हो जाए, ये भी नहीं पता है। कभी कोई आपका यही चुरा ले जाए, इसका भी नहीं पता रहेगा। बाद में आप रोते रहोगे। आज ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में है कि आदमी के आदमी चोरी हो जा रहे हैं, ये तो फिर भी ड्रोन है। ठीक है, इसलिए मैंने उनकी भलाई के लिए उन सज्जन को ये बात बताई कि आज तो आम आदमी नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति पे भी सरेआम गोली चला के उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। घर से निकला हुआ कोई भी शख्स सुरक्षित वापस आ जाएगा, इस बात की गारंटी आज उत्तर प्रदेश में नहीं। ऐसा माहौल जहां मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं कानून व्यवस्था के, वहीं इस देश के शोषित वर्गों में स्पेशली चाहे दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, आज उनके हक अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। इस डाके को रोकने के लिए जहां उत्तर प्रदेश में सब लोग चुप हैं और अन्याय को होते हुए देख रहे हैं, वहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और कुछ ऐसे संगठन, चाहे वो किसान संगठन हो या मजदूर संगठन हो, वो इस हक की आवाज को, अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में वो सभी साथी जो साइकिल यात्रा में शामिल हुए, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और अगर 24 घंटे की कॉल पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इतनी बड़ी साइकिल यात्रा निकलती है, तो वो तमाम साथी जो यहां मंडल के हैं, जिले के हैं, प्रदेश कमेटी के हैं, सेक्टर कमेटी के हैं, विधानसभा कमेटी के हैं या बूथ कमेटी के हैं, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। उन सब के लिए ताले जो है बजाने। लेकिन क्या हमारी लड़ाई पूरी हो गई? क्या हम लोग अपनी लड़ाई जीत गए? अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। हमें थोड़ी सी समझदारी दिखा के अपने काम को मजबूत करना। हमारे बीच हमारे बहुत सम्मानित जावेद भाई, इजाज भाई, जावेद अख्तर जी जो देहरादून से मेरे पुराने साथी, वो भी आ गए। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी यहाँ आ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि हम परिवार के रूप में किस अन्याय का जवाब भी देंगे और अपनी ताकत बना के यहाँ के लोगों के लिए काम करने में भी सफल होंगे, ऐसा भी मेरा मानना है। मैंने देखा कि पसीना चल रहा था, सूर्य आपकी परीक्षा ले रहा था। रास्तों का क्या कहना, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कुछ कह नहीं सकते। फिर भी मैंने ऐसे बहादुर साथी देखे, ना मोटरसाइकिल पे बैठे, ना गाड़ी में बैठे, ना साइकिल पे बैठे, वो लगातार दौड़ते रहे। मैं ऐसे साथियों के हौसले को और मजबूत करता हूं, उनसे ये आग्रह करता हूं कि जब तक आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं आएगी, आपको ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आपके पास राजनीतिक शक्ति आ जाएगी, उस दिन के बाद आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। जहां जिन जो आपका काम कर सकता है वो दौड़ के आपके घर आके बताएगा या अपने ऑफिस में आपका बैठ के इंतजार करेगा कि बताइए आपकी समस्या क्या है। मेरे लिए आपका काम, आपका प्यार, ये सबसे बड़ा। इस मंच पर जो उपस्थित साथी हैं, हमारे सीनियर साथी बोकाड़िया जी, हमारे डॉक्टर बजपाल जी, हमारे सम्मानित गिरादेव जी, हरिओम जी, प्रशांत सागर जी, रोहित सागर जी, भाई महक सिंह जी, भाई रजत जी, भाई साजिद जी, अमित कसाना जी, ओमपाल जी, हमारे नवनियुक्त चेयरमैन भाई रवि चौधरी जी, और इस मंच से इधर भाई राजन हो, भाई भीमसेन जी हो, भाई विवेक जी हो, भाई धर्मराज हो,
और हमारे मंडल के अध्यक्ष उपेंद्र राणा जी और तमाम वो साथी जिनका नाम मैंने नहीं लिया, चाहे वो ललित है कोई, वो अपने आप को ज्यादा प्यारा समझना, इनके तो नाम मैंने इसलिए लिए कि आप लोग इनको जान जाओ, जिनके नाम नहीं लिए उनको तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, गर्मी बहुत है, मैं आपसे जो भी कहना चाहता हूँ, हमारे किसान यूनियन के साथी बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हर सरकार के आगे आप दफ्तरों में फाइल लेके खड़े रहते हैं, सरकारें बदलती आपकी समस्याएं नहीं बदलती, आपको अपनी समस्या का पूर्ण अगर हल चाहिए तो आप किसान बन के आगे के समय में वोट करना, ना जाति पे करना, ना धर्म पे करना, ना किसी और चीज पे करना, किसान बन के वोट करना, आपकी समस्या हल हो जाएगी, मेरा आपसे वादा। मेरा संदेश के तौर पे आप साथियों से आग्रह है कि जो पंपलेट अभी आपको यहाँ दिया गया है उस पंपलेट को आप खुद भी पढ़ें और उस पंपलेट को लेके गांव बस्तियों में भी जाएं। जब आप गरीब की औलादे जाके काम करने, मेहनत करने काम करेंगी, अपनी ताकत बनाने काम करेगी, तो इस क्षेत्र में जो पैसे वाले लोग रहते हैं, ताकतवर लोग रहते हैं, वो आपका रास्ता रोकने का काम जरूर करेंगे, और क्योंकि वो साजिश कर सकते हैं, आपके आगे मेहनत नहीं कर सकते, आपकी मेहनत का मुकाबला नहीं कर सकते, उस समय आपकी समझदारी ही आपको आगे बढ़ाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे आज हमारा लक्ष्य यहां पहुंचना था, उस रास्ते में कितनी परेशानियां आई उनको हमने नजरअंदाज किया और हम लगातार बढ़ते रहे, ऐसे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे अपने अपने क्षेत्रों में जब आपके यहाँ ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा, साइकिल यात्रा आए, तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें और अपनी पार्टी के एजेंडे को, अपनी पार्टी की पॉलिसी को, अपनी पार्टी के जो लक्ष्य है कि अगर हमें अवसर मिलता है तो हम किसानों के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने मांग की थी दिल्ली में कि प्रधानमंत्री जी 6000 रूपये किसान सम्मान निधि देते हैं, हम मांग करते हैं कि 24000 रूपये किसान सम्मान निधि किसानों को दी जाए। जैसे हमने ये मांग की कि इस देश में 52% पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 52% से ज्यादा है, उनकी हिस्सेदारी 27% नहीं हो सकती है, इसलिए हमने मांग की कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात को ध्यान में रखते हुए 52% लोगों को, उनको भी मत, उनकी हिस्सेदारी देने का सरकार काम करे। उसके साथ साथ मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या मुफ्त बिजली मिल रही है? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या नौजवानों को रोजगार मिला? क्या महंगाई कम हुई? क्या सरकार के आने पर जुल्म जाति बंद हुई? क्या धर्म के आधार पर जो अन्याय हो रहा है वो बंद हुआ? क्या आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या आपको अच्छा इलाज मिल रहा है? क्या महिला सुरक्षित है? जब कुछ भी नहीं है तो आप इन सरकारों के भरोसे क्यों बैठे हो? आपकी एकता ही इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से जब हम जाति जोड़ो समाज जोड़ो की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जातियों का बंधन तोड़ के इस देश के कमजोर वर्ग के लोग आपको देख के एकजुट हों, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, सिख, इन सब लोगों को एकजुट करने का काम करो, भाईचारा पैदा करो। आप ये जानते हैं कि हमारी समस्या एक है, अगर हमने भाईचारा पैदा कर लिया तो हमारी समस्याओं का इलाज होगा, अगर हमने भाईचारा पैदा नहीं किया तो हमारा इलाज होगा। हमें रास्ता चुनना है। आज इस देश में सारे सरकारी उपक्रम खत्म हो रहे हैं, जैसे सरकारी उपक्रम खत्म हो जाएंगे, मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपके बच्चों को सरकारी दफ्तरों में कौन बैठने देगा? कहां पुलिस की भर्ती आएगी? कहां टीचर की भर्ती आएगी? कहां पटवारी की, सेक्रेटरी की भर्ती आएगी? कहां फोर्थ क्लास, सेकेंड क्लास की भर्ती आएगी? कैसे आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे? कैसे आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे?
और जब आपका व्यक्ति कुर्सी पर नहीं बैठा होगा जैसे आपके हालात हैं, तो आपकी समस्या को कौन सुनेगा, आपके आंसू कौन पूछेगा, आपका दुख कौन दूर करेगा, आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा, आपकी आवाज कौन उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी आपके पास है। आप अपनी समस्या को भी समझो और उसके समाधान को भी समझो। इस देश में 12 साल अंबेडकर के द्वारा जो वोट का अधिकार दिया है, इससे ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, किसी के पैर पकड़ लो, किसी के पैर छू लो, किसी की जय जयकार कर लो, जब तक राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक किसी गरीब का भला नहीं हो सकता इस प्रदेश में, न ही देश में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको 70 साल से ज्यादा लोकतंत्र आए हुए हैं। अगर आप मेहनत मजदूर नहीं करोगे तो आपके घर में रोटी नहीं आएगी। सरकार झूठे वादे करती है, आपका पैसा लेती है, आपको लूटने का काम करती है, आवाज उठाने पे आपको डंडे से पीटने का काम करती है। चाहे वो बिजली विभाग के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन विभाग के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो आशा बहने हों, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे वो वकील हों, नौजवान हो, अगर अपने अधिकार के लिए कोई गया है तो सरकार ने उनकी बात सुनने के बजाय उनको पीटने का काम किया है। ऐसी निगमनी सरकार को आपको भी वोट की चोट से जवाब देके अपने हाथों को मजबूत करना है। आज हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो संघर्ष कर, मेरे संघर्ष में कमी नजर आती है तुम्हें। आप ये बताओ, ये धर्मेंद्र जी बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि भैया तुम संघर्ष करो, आप बताओ मैं कम संघर्ष कर रहा हूँ? इससे ज्यादा कितना संघर्ष करूं भाई? मैं तो गोली लगने के बाद भी घर नहीं बैठा। और मुझे ये भी नहीं पता कि अगला एक हफ्ता मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा, मुझे तो इस बात का भी नहीं पता। जब मैं आपकी आवाज उठाता हूँ तो जो लोग आपको गुलाम समझते हैं उनके मन में बड़ी पीड़ा होती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि उनकी छाती पे सांप लौट जाता है, उनको ये लगता है जिनकी और जिनको हम डंडे से जिनकी खाल खींच रहे हैं। कल ये लोग हमारे सामने सम्मान का जीवन जिएंगे, इनको जीवन जीने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? इस आवाज को खत्म कर दो, इसलिए वो लोग मुझ पर गोली चलाते हैं। मैं उनकी सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरता हूँ, मैं उनके एनआईए की जांच से नहीं डरता हूँ, मैं उनके झूठे मुकदमे और जेल से नहीं डरता हूँ, इसलिए उनके पास आखिरी रास्ता यह है कि वो मेरा मुंह बंद कर दे, इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाते हैं। मगर मैं ये जानता हूँ कि जिसके इतने प्यार करने वाले भाई हों, जिसकी इतनी प्यार करने वाली बहने हों, जिसके इतने प्यार करने वाले साथी हों, दुश्मन की कोई गोली उसका सीना खाली नहीं करती। बात जानता हूं कि जब जिस कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है और जब तक जिस काम के लिए उसने मुझे पैदा किया, जब तक वो पूरा नहीं होता, आप गोली छोड़ो, मेरे सीने पे बम भी मार देना, वो बम भी डिफ्यूज हो जाएगा। ना तो चंद्रशेखर आजाद कभी डरा, ना कभी डरेगा, ना ही डर के जिएगा। अगर आप ये सोचो इस राजतंत्र में, ये राजतंत्र इसलिए कह रहा हूं जबकि लोकतंत्र है, कि यहाँ पैसे वाले लोग ही राजनीति करते हैं, चुनाव लोग लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, वहां आपका जिनके पास पंखे भी पूरे ना हो, जिनके पास कुर्सियां भी पूरी ना हो, उनकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो हमारे लोगों को खरीदने का काम करेंगे, हमारे लोगों को बाजार में जाके बताने का काम करेंगे कि वो बिकाऊ लोग हैं, और एक तरफ आप गरीब लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आपको ये तय करना है कि आपके एक एक वोट पहले नगीना का, फिर उत्तर प्रदेश का, और फिर आने वाले कुछ सालों में इस देश का भविष्य बदलने का काम करेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना। लड़ाई उन लोगों की है जो आने वाली पीढ़ियां इस उम्मीद में है कि हमारे लोग हमारे देश में हमारे लिए अधिकार छोड़कर जाएंगे। आज जिस तरह से भारतीय संविधान को खतरा है,
आज जिस तरह से भारतीय संविधान का संविधान के होते मजाक उड़ाया जा रहा है, इस समय आपकी आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपने अधिकारी कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। और कुछ ऐसे भी साथी हैं जो पर्दे के पीछे से हमारी बड़ी मदद करते हैं, मैं उन सब भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं जो इसी पंडाल में मौजूद है, और उनके नाम भी लोग नहीं जानते लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरी लड़ाई बात एक है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप अपनी जिम्मेदारी अपने अधिकार को समझ लो, और अपने अधिकार जो आपके अधिकार लोगों ने छीन रखे हैं उनको छीनने के लिए संघर्ष करो। और ये लोकतंत्र है, संघर्ष करने के लिए आपको कोई तलवार भाला नहीं उठाना है, कोई बंदूक नहीं चलानी है, अपने पक्ष में ईवीएम का बटन दबाना है। मुझसे लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब आपके लोग आपके साथ रहेंगे लेकिन ईवीएम से हरा देंगे, तो मैंने उनसे ये कहा कि एक बार हमारे लोग तैयार हो जाए, इस ईवीएम का भी इलाज हम लोग जल्दी कर देंगे। आप लोग आपके वोट के अधिकार को लूटने का प्रयास किया जाएगा, उन सब चीजों का इलाज करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। मैं अपने सभी साथियों का, जिसमें प्रधान साथी,